袖だけがおぼつかない夏の終わり明けがあったのでと、hello दोस्तों, मैं हूं एनिमी कोड जो आज मैं रिव्यू दूंगा Assassination Classroom का। अगर तुम एनिमी का जॉनर कॉमेडी और स्कूल है, ये एनिमी अमेजिंग है और इसको देखना भी वर्थ है। असल में ये एनिमी मुझे बहुत अच्छी लगी और ये एनिमी ने मुझे पर्सनली बहुत ही मोटिवेट किया, खास करके कोरो सेंसेई को लेके। तो एनिमी के पहले स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं। स्टोरी प्लॉट ये है कि एक क्रीचर होता है जो हमारे मून को आधा ब्लास्ट कर चुका होता है, अब वो पृथ्वी को ब्लास्ट करने वाला है। पृथ्वी को ब्लास्ट करने से पहले उसकी एक आखिरी डिमांड होती है कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता है जो ई क्लास के होते हैं, एंड तब तक के लिए वो ब्लास्ट नहीं करेगा। एंड स्टूडेंट्स को फिर मौका दिया जाता है कि वो कैसे भी करके इसको असैसिनेशन करे, आई मीन इसको मार दे। एंड इसको मारना इतना आसान नहीं है। इस क्रिएचर की स्पीड है 20 मैक, मतलब कि 24,696 किलोमीटर पर आवर। एंड इसी को पूरी एनिमी बेस है। एनिमी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो तुम्हें मोटिवेट करेगी, इंस्पायर भी करेगी और एंटरटेन भी करेगी। एनिमी ज़्यादातर एंटरटेन ही करती है। अब जो साइड थी, अब इसके एक पर्सनल ओपिनियन की मैं बात करता हूँ। इसके टोटल टू सीज़न है। अब इस एनिमी के अंदर कुछ हम कह नहीं सकते कि मेन विलन कौन है। विलन है पर मेन विलन कोई नहीं है। एंड ये एनिमी असल में देखा जाए तो कोरो सेंसेई असल में इस क्रीचर का नाम है, एंड यही असल में हीरो है असल में। एंड बाकी के 26 स्टूडेंट्स है इसके अंदर, और भी स्टूडेंट एंड सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको दिखाया गया, सबकी इम्पोर्टेंस दिखाई गई है। एंड अगर मैं बात करूँ, मैं जो पर्सनली फेवरेट है वो है कर्मा। एनिमी के अंदर बहुत से सारा मसाला है, बहुत सारे अमेजिंग कैरेक्टर है, हर एक कैरेक्टर की अपनी अपनी खूबी है। मुझे जो कोरो सेंसेई थे मेरे को बहुत अच्छा कैरेक्टर लगा, एक मोटिवेटिंग कैरेक्टर है एंड ऐसा टीचर है जो हर एक स्टूडेंट को चाहिए। तुम भी देखो, तुम्हें भी फीलिंग आएगी कि कोई कोरो सेंसेई जैसा हो तो सही रहता। एनिमी ने मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेट किया, ये मैं कह सकता हूँ, खास करके अपनी स्टडीज़ को लेके। एनिमी कहीं ना कहीं कुछ जगह इंस्पायर कर दी, कुछ जगह इमोशनल भी कर देती है, पर इस एनिमी को देखना वैलिड है। अगर इसकी कोई बात की जाए, बहुत अच्छी एनिमी है। एंड साइडली अगर मैं बोलूँ तो ये एनिमी मेरे को बहुत अंदर से बहुत अच्छी लगी, तुम भी एक बार ये देखना। एनिमी के अंदर एनिमेशन बहुत ही अच्छी है। एंड सच बोलूँ तो मेरे को इनकी जो ओपनिंग थी सीजन 1 की, दोनों ओपनिंग के अंदर डांस को जो दिखाया गया है मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इनकी ओपनिंग सॉन्ग बहुत ही अच्छी है। एंड मैंने अभी तक सेकेंड सीजन नहीं देखा, आधे पे चल रहा हूँ। हमें कोरो सेंसेई के बारे में इतना मालूम है कि वो एक अच्छा टीचर बनना चाहता है। इस एनिमी के अंदर असल में देखा जाए वो चुनता है ई क्लास को। अब ई क्लास क्यों, मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे रैंकिंग के हिसाब से क्लास रखी गई है कि जो ए क्लास है वो ज़्यादा बेटर होती है, बी उससे थोड़ी बेटर है, एंड सी उससे, एंड उसी तरह ई है वो पुअर रैंकिंग के अंदर आती है। एंड कोरो सेंसेई जानबूझ के ई क्लास को चुनता है। अगर वो ई क्लास को चुनता है, इसका मीनिंग ये है कि वो सबसे जो बच्चे डफर है वो उन्हें पढ़ाना चाहता है। असल में उसका पूरा मन है बच्चों को पढ़ाने को लेके। इसके अंदर और भी असैसिनेशन को लेके कुछ ज़्यादा डिटेल्स दी गई है। सारे कैरेक्टर असैसिनेशन को लेके, एंड विलन भी कुछ असैसिनेशन ही हो गए इसके अंदर। एंड थोड़े वो नॉर्मल विलन भी रखे गए, जैसे कि ए क्लास वाले जो स्कूल के। अदरवाइज मैं यही बोलना चाहूँगा, एनिमी बहुत एंटरटेनमेंट है, तुम्हें मज़ा आएगा, तुम देखोगे तुम्हें बोर बिल्कुल ही नहीं करेगी। एनिमी मोटिवेट बहुत करती है। योरो ने उकान देता कुरागे नो योनत्स की गहजता बसते नसे उनो जोके बा आनो नत्स नो किमी गा अतमा नी इरी।夏の